नमस्कार। दिनभर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच, आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव फिर ठुकराया, कहा कुछ नया नहीं है। बीजेपी के दावे झूठे, गुपकार की जीत से सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। अर्णब के चैनल ने 280 बार माफी मांगी, फिर भी ब्रिटेन ने ठोका जुर्माना। यूपी में लव जिहाद के नाम पर परिजनों और रिश्तेदारों को जेल में डाला। मोदी सरकार करती रही वादे और कई देशों में लगने भी लगे टीके। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो ये है कि sathindi.com को मजबूती प्रदान करने के लिए आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है। आप जानते ही हैं कि गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह की भूमिकाएं अदा कर रहा है, किस तरह झूठी खबरें फैला रहा है। ऐसे में sathindi.com जैसे चैनल का होना, प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। sathindi.com की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा और आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमारा दूसरा निवेदन यह है कि sathindi.com का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है कि हमारी ये दोनों गुजारिशें आप मानेंगे और sathindi.com को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। बातचीत के लिए सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है, उसमें कुछ भी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। किसानों ने कहा कि सरकार बार बार निरर्थक और खारिज कर किए गए प्रस्तावों को न भेजे, बल्कि कोई ठोस प्रस्ताव भेजे। किसानों ने कहा कि सरकार मामले में गंभीर नहीं है और इसको लंबा खींचना चाहती है। जो अंत में जो लाइन हमने कही है, दरअसल सच्चाई वही है। सरकार चाहती है कि आंदोलन खिंचता रहे, किसान परेशान होते रहें और बाद में थक हार कर घर चले जाएं। वो अभी तक कोई नया प्रस्ताव नहीं दे रही है, छोटे मोटे कुछ संशोधन की बात कर रही है। बार बार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए तैयार होना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है, दो कदम पीछे हटने की जरूरत है, लचीलेपन की जरूरत है, जो वो नहीं दिखा रही है। वो चाहे तो इन कानूनों को स्थगित करने की घोषणा करके बातचीत का माहौल बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे जाने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उसकी मंशा में, उसकी नीयत में वो सच्चाई नहीं है, खोट है, और इसीलिए वो किसानों को लटकाए हुए है। 28 दिन तक हो चुके हैं उनकी हड़ताल को, इसके बावजूद वो उनके साथ ना तो अभी तक उस तरह से मेलजोल कर पाई है, बल्कि आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्री एक अभियान सा चला रहे हैं किसानों के खिलाफ, बार बार प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि ये कानून तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री स्वयं इस अभियान का हिस्सा हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए। ठीक उल्टी दिशा में वो चल रहे हैं, ऐसे में बातचीत कैसे हो सकती है, आपके प्रस्ताव पर भरोसा कैसे पैदा हो सकता है। जाहिर है कि सरकार भरोसा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो सर किसानों को झुकाना चाहती है, अपने कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है, और ये किसानों ने जो स्टैंड लिया है ये उनकी अपनी मांगों के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। उन्हें सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा और लंबी लड़ाई के इरादे से वो आए ही हुए हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और धीरे धीरे ये अच्छी बात है कि देश भर में किसान आंदोलन फैल रहा है। केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर, तमाम क्षेत्रों से इस आंदोलन से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये और बात है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां आंदोलनकारियों पर, आंदोलन में हिस्सा लेने वालों पर
दमनात्मक कार्रवाई चल रही है, उनका दमन किया जा रहा है, उन पर बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें एक्टर सिंगर्स पर जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनको ईडी और आईटी के नोटिस भेजे गए हैं उनको परेशान करने के इरादे से, ताकि वो किसान आंदोलन का समर्थन न करें। इसी तरह से किसान नेताओं के साथ किया जा रहा है। तो एक बदनीयत से एक पूरी सरकार लगी हुई है इस आंदोलन को फेल करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए। ऐसे में ये किसानों ने जो घोषणा की है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त लगती है। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। गुपकार गठबंधन 110 सीटों पर जीत रहा है तो बीजेपी 75 सीटों पर कब्जा जमाते दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 26 सीटों पर दर्ज की है तो निर्दलीयों ने 50 सीटें जीत ली हैं। सरकार द्वारा खड़ी की गई अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटें तो जीत ली हैं, लेकिन जम्मू में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। जम्मू क्षेत्र में 140 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी महज 71 सीटें ही जीत चुकी है। वहीं गुपकार गठबंधन कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू इलाके की सीटें भी कब्जाने में कामयाब रहा है। गुपकार गठबंधन की अगुवाई करने वाले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू क्षेत्र की 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा एक सीट पीडीपी को भी जम्मू इलाके को की मिली है। कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल इलाका है जहां 140 डीडीसी की सीटें हैं। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों को जबरदस्त जीत मिली है। कश्मीर की इन 140 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़े था, जिनमें से बीजेपी ने भी 3 सीटें जीती हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी और अनुराग ठाकुर समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी। गुपकार की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को अवाम की आवाज सुननी चाहिए। अवाम की आवाज केंद्र सरकार अगर सुनने वाली होती तो अभी तक सुन चुकी होती। 5 अगस्त 2019 से उसने कश्मीरी अवाम के दमन का एक नया सिलसिला चला रखा है और तमाम तरह से आवाजें उठने के बावजूद उसने कोई सुनवाई नहीं की है। उसका अपना एक प्लान है, अपनी एक रणनीति है कि किस तरह से कश्मीर के लोगों की जो भी अधिकार रहे उनको खत्म किया जाए और अपनी उस पर चलाई जाए। इसी के तहत उसने 370 धारा को हटाया था और ये इस उम्मीद में इस चुनाव को उसने करवाया था कि वो बाकी दलों का सफाया करके जम्मू कश्मीर में एक छत्र राज कायम कर सकेगी, अपनी पढ़त बढ़ा चुकेगी। लेकिन गुपकार अलायंस ने न केवल चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जो कि बीजेपी की उम्मीदों से उलट था, बल्कि उन्होंने गठबंधन भी बनाया और एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने दर्ज कराया है इस चुनाव में। उसके सीधे सीधे संकेत हैं, सीधे सीधे संदेश हैं। संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर की आवाज बीजेपी नहीं हो सकती है बल्कि गुपकार गठबंधन ही हो सकता है। गुपकार जिसने 110 सीटें जीती हैं और 26 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, कांग्रेस भी मोटे तौर पर चाहती है कि धारा 370 हटाई जाए, जिसका मतलब है कि 136 सीटें ऐसी पार्टियों ने जीत ली हैं जो कि धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ थी। 50 जो निर्दलीय जीते हैं उनमें से भी बहुत सारे इस पक्ष के होंगे, तो आधे से अधिक आप मान सकते हैं कि सीटें ऐसे लोगों ने जीती है जो धारा 370 को हटाए जाने के पक्ष में है और बीजेपी की जो कहना चाहिए स्ट्रेंथ है बहुत कम है। हालांकि दावे वो बढ़ चढ़कर कर रही है, लेकिन जम्मू इलाके में ही केवल 4 जिलों में उसका दबदबा बन पाया है। 2 में वो किसी तरह से अपनी काउंसिल पर कब्जा कर पाएगी, लेकिन बाकी 4 में उसकी वो पिछड़ गई है दूसरे दलों से। और अगर आप पिछले चुनावों को देखें, विधानसभा चुनावों को देखें या लोकसभा के चुनाव को देखें, तो उसके मुकाबले भी इस बार उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत घट गई है। तो ये दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ा है, केंद्र सरकार की योजना के लिए उल्टा पड़ा है और इसके बहुत सारे मानी निकाले जाएंगे। सबसे बड़ा मानी तो ये है कि अब कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ और मुहिम तेज कर सकता है गुपकार गठबंधन, और अगर गठबंधन की आवाज तेज होती है तो केंद्र सरकार
जो अभी तक करती रही है, दमन का सिलसिला चलाएगी, गिरफ्तारी का सिलसिला चलाएगी और फिर से इन नेताओं को जेल में बंद कर देगी, जैसा कि इसने इस चुनाव के दौरान भी किया कि उनकी ताकत न बढ़ने पाए, उनको प्रचार करने का मौका नहीं दिया, उन्हें कहीं कहीं कैद करके रखा गया और इस तरह से अपने नेताओं को खुलकर छूट दी कि आप प्रचार करो, पूरी सरकारी मशीनरी का फायदा उठाया, जो भी वहां पुलिस बल सैन्य बल तैनात था उसका फायदा उठाया। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी के इतने सारे कोशिशों के बावजूद असफल होना ही माना जाएगा। 70-75 सीटें कोई मायने नहीं रखती, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद और जम्मू पर जहां हिंदू बहुल इलाका है, जो माना जाता है कि बीजेपी का वहां एक छत्र राज है, वहां भी वो कामयाब नहीं हो पाई है। कश्मीर घाटी में जो 3 सीटें जीती हैं उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के छोटे चुनाव में 1-2 सीटें निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो 2 सीटों पर तो बहुत कम मतदान हुआ था, बहुत बहुत कम मतदान हुआ था, इसलिए उन सीटों को काउंट करना भी ठीक नहीं होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अर्णब गोस्वामी के जिस रिपब्लिक भारत चैनल पर भारत में नफरत और धार्मिक घृणा फैलाने का आरोप लगता रहा है, उसी पर ब्रिटेन के प्रसारण नियामक ने भारी जुर्माना लगाया है, वह भी नफरत और असहिष्णुता फैलाने के लिए ही। उन्हें अब £20,000 यानी करीब 19,00,000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने पड़ेंगे। ब्रिटेन के संचार नियामक कार्यालय यानी ऑफकॉम ने मंगलवार को आदेश जारी किया। ऑफकॉम का कहना है कि रिपब्लिक भारत चैनल ने नफरत फैलाई, असहिष्णुता को बढ़ावा दिया, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, इसने व्यक्तियों, समूहों, धर्मों या समुदायों से अपमानजनक और आपत्तिजनक व्यवहार किया और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ टिप्पणियां की। ऑफकॉम ने रिपब्लिक भारत चैनल के शो पूछता है भारत के एक एपिसोड का जिक्र भी किया है। ये कार्यक्रम 6 सितंबर 2019 को प्रसारित हुआ था। ब्रिटेन में लाइसेंसधारी वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड रिपब्लिक भारत को प्रसारित करता है। जिस शो को लेकर आपत्ति हुई थी वो 35 मिनट की एक चर्चा थी जो भारत के चंद्रयान मिशन पर थी। ऑफकॉम ने कहा कि मेजबान गोस्वामी सहित मेहमानों द्वारा शो में दिए गए बयान का ये अर्थ निकला कि सभी पाकिस्तानी लोग आतंकवादी हैं, इसमें उनके वैज्ञानिक, डॉक्टर, उनके नेता, राजनेता सब शामिल हैं और ये सभी आतंकवादी हैं, यहां तक कि उनके खेल से जुड़े लोग भी, हर बच्चा वहां पर आतंकवादी है। आप एक आतंकवादी सत्ता से निपट रहे हैं। एक अतिथि ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को चोर के रूप में वर्णित किया, जबकि दूसरे ने पाकिस्तानी लोगों को भिखारी बताया। वहीं रिपब्लिक भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि उन्होंने 26 फरवरी से 9 अप्रैल 2020 के बीच 280 बार हिंदी और अंग्रेजी में माफी भी मांगी है, लेकिन उनकी माफी भी उनको जुर्माने से नहीं बचा पाई है। तो अर्णब गोस्वामी का चैनल, अर्णब गोस्वामी खुद और अर्णब गोस्वामी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले अधिकांश मेहमान, ये सब नफरत और हिंसा की भाषा में बात करते हैं, पाकिस्तान, मुसलमान इनके निशाने पर रहते हैं और नफरत और हिंसा फैलाना इनका एकमात्र मकसद है, झूठी खबरों के जरिए, अफवाहों के जरिए, मनगढ़ंत विचारों और नरेटिव के जरिए। और इसीलिए भारत में ये दुर्भाग्य की बात है और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ब्रिटेन का चैनल, ब्रिटेन की का जो नियामक है वो अर्णब गोस्वामी के चैनलों की इस कारगुजारियों पर नजर रख रहा है और कार्रवाई कर रहा है और उसी के दबाव में ये चैनल 280 बार माफी भी मांग चुका है, लेकिन तब भी उसको बख्शा नहीं गया है। तो ब्रिटेन का जो नियामक है ऑफकॉम, वो निश्चित रूप से भारत जैसे लुंजपुंज सरकार और लुंजपुंज नियामक के तरह नहीं चलाया जा रहा है यहाँ का मीडिया, और वहां उसने 19,00,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। तो ये भारत के लिए एक संदेश है, भारतीय दर्शकों के लिए एक संदेश है, भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के लिए संदेश है कि अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल क्या कर रहे हैं, किस तरह से नफरत और हिंसा परोस रहे हैं और उसे भारत में नहीं रोका जा रहा है। भारत में उसे रोकने की कोई कोशिश न सरकार कर रही है, न अदालतें कर रही है, न प्रशासन कर रहे हैं और सब आंखें मूंदकर
देख रहे हैं, बल्कि सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है बार बार अर्णब गोस्वामी को बचाकर कोर्ट की कार्रवाइयों से, गिरफ्तारियों से, तमाम तरह से, और उसका संरक्षक बनी हुई है। लेकिन भारत में ये चीजें दबाई और छिपाई भले ही जा रही हों, लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत का मीडिया और खासतौर से ये जो हिंदुत्ववादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। तो पूरी तरह से अर्णब गोस्वामी और उनका रिपब्लिक भारत एक्सपोज हो चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। देश के अंदर हम सब जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, अब दुनिया भी जान रही है, और ब्रिटेन में उस पर जुर्माना लगाया गया है। ये एक करारा थप्पड़ है रिपब्लिक भारत के पूरे चैनल के पर, गालों पर, उसके प्रबंधन पर, उसके संपादक पर, और उसमें काम करने वाले पत्रकारों पर भी, क्योंकि वो भी इस पूरे हेट कैंपेन का हिस्सा है। वो भी इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने और प्रसारित करने में एक कहीं ना कहीं भूमिका अदा कर रहे हैं, और इसलिए उस इस मामले में वो भी उतने ही कसूरवार हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला ऑफकॉम का आया है, और इसे गौर से देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, इसकी बात की जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कथित लव जिहाद को लेकर अजीबोगरीब कार्रवाइयां कर रही है। पूरे के पूरे परिवार को ही जेल भेजा जा रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि युवक और युवती को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। एटा जिले में अंतर धार्मिक शादी से जुड़े एक मामले में पुलिस ने एक परिवार के 14 लोगों को जेल भेज दिया है। बता दें कि करीब एक महीने पहले 21 वर्षीय युवती घर से चली गई थी। उसने धर्मांतरण कर लिया और एटा जिले के ही जलेसर में जावेद अंसारी से शादी कर ली। लड़की के पिता की रिपोर्ट के आधार पर 17 दिसंबर यानी पिछले गुरुवार को FIR दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार जलेसर पुलिस ने गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के तहत पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जावेद सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानी बाकी है। प्रत्येक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनमें से अधिकतर जावेद के दूर के रिश्तेदार हैं। इतना ही नहीं, जावेद की मदद करने वाले दिल्ली के वकील मोहम्मद हाशिम अंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार हाशिम अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के करीब 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस में सूत्रों ने कहा कि ये गिरफ्तारियां फरार जोड़े पर दबाव बनाने के लिए की गई हैं, ताकि दोनों खुद को पुलिस के सामने पेश कर दें। उत्तर प्रदेश में अंतर धार्मिक शादियों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई तब से हो रही है जब अदालतें उसके खिलाफ फैसले देती जा रही हैं और पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणियां भी करती आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही कहा है कि यदि अलग अलग धर्मों के लोगों के विवाह में कोई महिला अपना धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपना लेती है और उस धर्म को मानने वाले से विवाह कर लेती है, तो किसी अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट है, हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि अगर कोई महिला या पुरुष वयस्क है, 21 साल की उम्र पार कर चुका है, तो वो अपनी मर्जी से अपना धर्म भी बदल सकता है, अपना किसी से भी शादी कर सकता है, कर सकती है। और लेकिन चूंकि लॉ जिहाद के बहाने उत्तर प्रदेश सरकार एक हिंसा, एक घृणा का वातावरण बना रही है, लगातार अभियान चला रही ताकि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, तो ये धर्मांतरण का अध्यादेश लाए हैं जो अदालत में नहीं टिकेगा, जो कि पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, दुराग्रहों से ग्रस्त है, और पूरी पुलिस और पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश की इस लव जिहाद कानून के बहाने जो बीजेपी सरकार का एजेंडा है, संघ परिवार का एजेंडा है, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरी मुहिम चल रही है अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की, उन पर अत्याचार करने की। इस तरह से किसी एक जोड़े ने शादी की है, उसके परिजनों को उठा के जेल में बंद कर देना, कोई मान लीजिए अगर ये शादी गलत ही है, किसी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके पूरे घर वालों को ही जेल में बंद कर दिया जाए कि अब तुम सरेंडर करो। ये आमतौर पर जब बड़ा कोई क्राइम होता है, कोई बड़ा क्रिमिनल होता है, कोई गैंगस्टर होता है, उसकी गिरफ्तारी में इस तरह की चीजें
इस तरह के हथकंडे पुलिस आजमाती है, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं उनमें ये एक नया चलन उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और बहुत ही दमनकारी और अत्याचारी ये हथकंडे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाले हैं। बार बार ये रिपोर्टें आ रही हैं कि मानवाधिकार के मामले में, आजादी के मामले में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है। तमाम सूचकांक बता रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, और ये पूरे भारत की छवि पर एक बट्टा लग रहा है, कलंक लग रहा है। लेकिन योगी सरकार को इसकी चिंता नहीं है, और ना ही चिंता है मोदी सरकार को, और ना ही चिंता है संघ परिवार को, क्योंकि इस एजेंडे के तहत वो अपने राजनीतिक अभियान चला रहे हैं जो कि बहुसंख्यकों की दादागिरी के रूप में सामने आ रहा है, बहुसंख्यक धार्मिक बहुसंख्यक की दादागिरी के रूप में सामने आ रहा है, और एक पूरा माहौल आतंक और हिंसा और नफरत से बजबजाने लगा है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच दुनिया के कुछ देशों में वैक्सीन लगनी शुरू भी हो चुकी है, मगर भारत में सरकार अभी वादे करने में ही लगी हुई है। ये भी साफ नहीं है कि जब कभी वैक्सीन लगेगी भी तो वो मुफ्त में लगेगी या उसके पैसे लिए जाएंगे। इसी को लेकर गांव कनेक्शन की ओर से किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है जिसकी बड़ी संख्या में उसमें लोगों ने कहा है कि वो वैक्सीन देकर पैसे देकर वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे। सर्वे के अनुसार 44% लोगों ने तो कहा कि वो वैक्सीन के लिए भुगतान कर सकते हैं, लेकिन 36% ने भुगतान करने में असमर्थता जताई है। गांव कनेक्शन अखबार की तरफ से 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 60 जिलों में 6040 ग्रामीण प्रतिभागियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में ये सामने आया है। सर्वे में 20% ने यह भी कहा कि उन्होंने इस बारे में फैसला नहीं किया है। जो ग्रामीण टीके के लिए शुल्क अदा करने को तैयार हैं, उनमें से 2/3 ने कहा कि जब भी टीका उपलब्ध होगा वे उसकी 2 खुराक के लिए ₹500 तक का भुगतान कर सकते हैं। इस बीच कम से कम 51% ग्रामीण प्रतिभागियों ने कोरोना वायरस संकट को चीन की साजिश करार दिया, और करीब 18% ने इसे सरकार की नाकामी के रूप में देखा। करीब 20% ने कहा कि वे इसे भगवान का किया मानते हैं। वहीं 22% ने महामारी के लिए जनता की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि दुनिया के 23 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? तो ये मोदी जी नहीं बताएंगे, वो कभी नहीं बताते हैं, और राहुल गांधी पूछेंगे तो और भी नहीं बताएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि सरकार के पास अभी तक कोई ठोस प्लान वैक्सीनेशन का नहीं है, टीकाकरण अभियान को चलाने का नहीं है। जहां तक गांव कनेक्शन के इस सर्वेक्षण का मामला है तो ये सर्वेक्षण ऐसा लगता है बहुत सीमित संख्या में प्रतिभागियों के आधार पर किया गया, अन्यथा इससे भी ज्यादा कठिन स्थितियां हमारे सामने होती। ये छोटे परिवारों में जहां 500,000 रुपए देना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में जिनके परिवार में 5, 7, 10 सदस्य हैं, आखिरकार वो कैसे 4-5 हजार रुपए इस तरह से वैक्सीनेशन पे खर्च कर पाएंगे, ये समझ से बाहर है। तो इस सर्वेक्षण में एक संकेत आप ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या होगी अगर वैक्सीन महंगी हुई तो, और उसे उसके लिए सरकार ने चार्ज किया तो। कायदे से वैक्सीन फ्री होनी चाहिए, फ्री मिले तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सकता है। बीजेपी बिहार चुनाव जीतने के लिए ये फ्री वैक्सीन का वादा कर सकती है, तो उसे पूरे देश के साथ ये वादा निभाना चाहिए क्योंकि वो केंद्रीय सत्ता पर काबिज है। उसे पूरी योजना बनाना चाहिए और वैक्सीनेशन का काम जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए ताकि लोग इसके आतंक से मुक्त हो सकें, और दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सके। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि सरकार अंधेरे में है, उसके पास कोई योजना नहीं है, इसका कोई बजट तैयार किया भी है कि उसने या नहीं किया है, किससे वैक्सीन खरीदी जाएगी, कब खरीदी जाएगी, कब आएगी और कब लगेगी, इस सब मामले में एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।